और अगली खबर बागमारा से, जहां कोल डंप मजदूरों के द्वारा पे लोडर लोडिंग का विरोध किया गया है। स्थानीय मजदूरों ने कोल परियोजना का काम बाधित किया है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रबंधन के खिलाफ माइंस में दाखिल होकर इन्होंने हंगामा किया। हंगामा कर रहे मजदूर बीसीसीएल एरिया एक के मुराइडी परियोजना में मजदूरों का ये हंगामा हो रहा है। बड़ी खबर बागमारा से, जहां पर मुराइडी परियोजना में मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। अशोक अपडेट के साथ जुड़े हुए। अशोक, क्या मांगे हैं इन मजदूरों की? फिलहाल अभी हालात कैसे हैं वहां? ये मामला देखा जाए तो लगातार चंद हफ्ते में ही दूसरी बार ये मामला हुई है। मजदूरों जो स्थानीय मजदूर हैं वो लोकल सेल कोल डंप, जिसे कहा जा सकता है कि ट्रक लोडिंग करने वाले मजदूर है, अरसे से यहाँ पे जो ट्रक लोडिंग हो रही थी स्थानीय मजदूरों द्वारा मैनुअल लोडिंग के तहत, कहा जाए तो उनके हाथों द्वारा लोडिंग किया जा रहा था, लेकिन हालिया के दिनों में देखा जा रहा है कि स्थानीय प्रबंधन जो बीसीसीएल एरिया वन के जो प्रबंधन है उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि इस जो मैनुअल लोडिंग है उस सिस्टम को खत्म करके पेलोडर द्वारा लोडिंग ट्रकों को लोडिंग कराया जाए। हालांकि पेलोडर लोडिंग को स्थानीय ट्रक मालिक या जो डीओ धारक है वो समर्थन इसलिए करते हैं कि उन्हें जो भी लोडिंग का जो प्रक्रिया है काफी कम समय में उन्हें मिल जाता है लोड करके गाड़ी, इसलिए उन लोगों की ओर से समर्थन है। वही जो स्थानीय मजदूर है उनका यह मानना है कि अगर ट्रक लोडिंग मैनुअल लोडिंग को हटाकर पेलोडर लोडिंग से शुरू कर दिया जाए तो हम भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसको लेकर एक बार चंद दिन पहले ही मुराइडी शताब्दी परियोजना को स्थानीय मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया और आज जो ये जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कहा जाए तो कहीं न कहीं यह प्रदर्शन उग्र रूप लेता दिख रहा है। हालांकि प्रबंधन इस मामले में क्यों किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठा रही है ये समझ से परे है। जी चलिए अशोक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रबंधन की लापरवाही से और ज्यादा नाराजगी है मजदूरों में, इनकी मांगों पर प्रबंधन विचार नहीं कर रहा।